Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read Unit 9, that is the White Lamb. It's a short story written by Seru Khan Zadian, who was an Armenian writer, and this story was translated into English by Fiona Glegalva. This story is actually about the importance of relations. It is the story of father and son. Father is Navasad, who is old gardener, and Arshak is his son. Navasad, after lots of sacrifices, sent his son Arshak to Moscow to a big city to get education.

वेंट डाउन टू स्प्रिंग दट वेल्ड अपडर द न ट्री टू वॉश एंड टू रेस्ट पहले जुमले में ही आपको बता दिया उन्होंने कि गार्डनर नवासाज एक माली है वो चश्मे की तरफ जाता है जो कि एक अखरोट के दरख्त के नीचे से निकल रहा है वेल्ड अप हेयर मीन्स गशिंग आउट प्राउट करना बाहर निकलना धूप no cool he hey, से जुलसा हुआ अभी वो अपने मुंह पर पानी ढालने के लिए झुका ही था कि जितने भी काम करने वाले आदमी हैं, उनका लीडर आया और उसने नवासाद को बताया कि जल्दी करें, आपका बेटा जो है वो गांव वापस आ चुका है व The old man said excitedly and then straightened up with difficulty he rushed back up where the man was standing with an agility surprising for his ears. What did you say? When did he come? Where is he? Agility means quickly or excitedly Bohot straighten up. Mushkil se usna Kamar ki Rushed back means going in hurry. और तेजी से गया और जैसे बंदा एक्साइटेड होता है बहुत सारे क्वेश्चन करता है तो एक ही सांस में उसने कई सवाल कर डाले कहाँ है वो क्या कहा आपने शायद उसे अपने कानों पे भी यकीन नहीं आ रहा था ही इज इन द विलेज आई सॉ हिम माई सेल्फ ही इज ड्राइविंग अ ब्लू सेडन सिडन एज अ टाइप ऑफ कार पर इट वॉज फेमस एट दैट टाइम तो शायद उस वक्त की मशहूर गाड़ी थी राइडिंग थ्रू द विलेज लक यू नवसाद

his had not been a happy life I mean he spent a very miserable life Zaire, he was a poor person and he was a hard working he had never had

शहतूत के दरख्त है उसके नीचे जितने भी तरबूज हैं वो अब पक चुके थे तो इसे ये बात याद आई एंड ही स्टेम और उसका तना काटा वाइप दिल्फरी डस्ट फ्रॉम द मेलन

Packed, जिसको परिंदों ने इधर उधर से चोंच मार के खाया हुआ था सो इट इज द साइन के ये बड़ा स्वीट है और एंड पैक्ट दैम जेंटली इंटू द ब्राइट वुवन बास्केट वुवन मीन्स बुनी हुई एक बास्केट थी जिसमें उसको रखता है देन सेट आउट द बैंक टू वेयर अ सिक्स मंथ ओल्ड व्हाइट लैम्प वॉज क्रेजिंग अब नवासात किनारे पे चलता हुआ वहाँ पहुँचता है जहाँ उसने छः महीने का मेमना जो है भेड़ का बच्चा वो बांधा हुआ है और इसके साइड पे जाते हैं वो सेविंग द लेम फॉर अ स्पेशल ओकेजन तो इस मेमने को इसने इसी स्पेशल मौके के लिए बचा के रखा था अर्शक हैज कम होम तो अर्शक घर आ चुका आई हैव फाइनली लिव्ड टू सी द डे इम्पोर्टेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आखिरकार ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहा नवासाद सैड टू हिमसेल्फ

उससे आगे कभी दौड़ रहा था कभी उसके पीछे गिरता पड़ता आ रहा था तो जितने भी लोग थे, थे वो उससे पूछ रहे रहे इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? एंड बुश ईच स्टोन एंड स्प्रिंग रिमाइंडेड हिम ऑफ अरशक चाइल्ड तो रास्ते में जगह जगह एक एक चीज जो है वो उसको अर्शक के बचपन की याद दिला रही थी मेनी द टाइम दैट ही कैर द चाइल्ड अप द स्टीप पाथ ऑन हिज बैक बहुत सारे वक्तों में इसी डहलवान सतह पर चढ़ते हुए इसने अर्श को अपने शोल्डर पर बिठा के उठाया ही वुड सिट डाउन टू रेस्ट ऑन द स्टोन और फिर इस स्टोन पे जो बड़ा सा पत्थर था वो रेस्ट लेता नवसाद वुड गिव अरशक अ उसे एक नाशपाती देता एंड वुड वाइप हिज नोज विद हेम ऑफ हिज लॉन्ग जैकेट और अपने दामन से उसकी नाक पहुँचता देर वॉज द स्प्रिंग विच अर्शक लाइक टू ड्रिंक फ्राम वहाँ एक चश्मा था जिससे अर्शक को पानी पीना बहुत पसंद था नवसाद वुड कप हिज हैंड अपने हाथों का प्याला बनाते हुए अर्शक वुड ड्रिंक फ्राम दैम अर्शक को पानी पिलाता ही वॉज द स्मॉल ऑर्चर्ड और एक छोटा सा बाग था द ट्री स्टिल बोर फ्रूट्स एबंडली जिसके दरख्तों पे बहुत सारे प्रोफ्यूजली अब अटली मीन्स प्रोफ्यूजली कसरत से बहुत सारे पल लगते थे एंड स्टेट ग्रीन फार इंटू द आटम और ख़ज़ा के मौसम में भी देर तक ग्रीन रहते थे वन अरश इलेवन ही फेल फ्राम द चेरी ट्री तो वो चेरी के दरख्त से गिरता है एंड ब्रोक हिजलेक उसकी टांग जो है वो तोड़ बैठा नवासात कैरेड हेम द मैनी माइल्स टू द डॉक्टर इन द डिस्टेंट सेटलमेंट डिस्टेंट मीन फार अवे सेटलमेंट मीन आबादी नवासाद उसको अपने शोल्डर पे बिठा के बहुत दूर आबादी में ले गया देन नवासाद थॉट ऑफ ऑल द द थिंग्स ही हैड सोल्ड टू फॉर सिटी लाइफ अब नवासाद को बहुत सारी चीजें याद आने लगी जो उसने बेची थी ताकि अपने बच्चे को कामयाब बना सके इट हैड बीन अ लॉन्ग स्ट्रेच अबाउट अर्शक ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड हैड देन गोन ऑन द स्टडी इन मॉस्को ही हैड हाई इन द वर्ल्ड तो बहुत

उेन स्लोप वन अमी नवान में वाक़ था नवसाद एंटर द्ड से ग्राउंड टॉस्ट एंड आर्म फुल्प्रॉस्ट मीन एंड आर्म फुल मीन फुल ऑफ हैंड्स ग्रास जो है वो लैंप के आगे डालता है एंड लुकड अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्स लाइफ द हाउस लुकफुल एंड्रेपिट टू हिम सो द कंडीशन ऑफ हिस हाउस टू हिम वेरी मिजरेबल डिप इट मीन टूटा फूटा उसको अपना घर लग रहा है जिंदगी में पहली बार उससे अपने घर में जो खामिया है और बड़ा खस्ता हाल उसको अपना घर लग रहा है यार्ड अब खुद को खुद ही तसली कर रहा है ना कि ये तो उसका भी घर है वो खुद भी तो बड़ा हुआ है इस घर में बस ठीक है तो उसे शर्माना नहीं चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन नाम बैक

women says that he totally doesn't look that he's shah's son थैंक यू द ओल्ड मैन सैड emotions. अब खुशी के मारे ना उसकी इमोशंस से आवाज जो है वो ही गर्म जोशी से विद एक्साइटमेंट वो जो है यार्ड अपने सहन को साफ करने लगा फर्स्ट ही स्वेप्ट द डर्ट मट्टी हटाई आई डोंट वॉन्ट माई बॉय टू डर्ट हिज शूज फिर मेरे बेटे के जो शूज हैं वो गंदे हो जाएंगे रॉक

Perhaps it इट वॉज childhood चाइल्ड I will आई विल से अब जितनी भी वो बातें कर रहा है ना वो रिमेम्बरेंस कर रहा है पास्ट की और खुद के साथ ही बोल रहा है रिमेंबर हाफ यू स्लेप्ट ऑन दिस बेड कैसे आप इस बेड पर सोते थे अरशक एंड आई स्लेप्ट हियर ऑन द फ्लोर अब करेक्टर खुद ही बात करके खुद से आपको फ्लैश बैक दे रहा है कि पास्ट में हुआ क्या क्या, -क्या था उसने कितनी सेक्रीफाइज थी वॉज थिंकिंग एज ही स्मूथ द कवर आई विल से दिस इज़ योर ओल्ड बॉल the one you ate from lukashka this is your wooden spoon remember the day i bought it from the, the wood carver menas and you were angry because there was no design on it and then i took it to the artist and had it painted for you फिर मैं उसको अपनी स्पून दिखाऊंगा कि आपको याद है इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं था और आप रो रहे थे आप खफा थे तो फिर मैं मनाज एक आर्टिस्ट के पास गया और उसके ऊपर डिजाइन बनवा के लाया कन्वर्सिंग दर्शक ही सेट आउट फॉर द स्प्रिंग सम वाटर एंड स्प्रिंकल द यार्ड द टेरिस एंड द फ्लोर इन साइड दैन ही बिगेन स्वीप अब चश्मे से पानी लाता है अपने सहन को और टेरिस के फर्श पे छिड़काव करता है और फिर उसके बाद झाड़ू लगाने लगता है वंस अगेन द ओल्ड नेब

He'll be alone. वो इधर ही कहीं होगा. Won't get lost. इधर उधर नहीं जा सकता. So important from translation point of view. Of course, Navasat brought some kindling wood and stacked it by the outdoor fireplace. तो jalane ki lakdiyan kuch le aaya. Stack means piled up.

जल्द ही अंधेरा हो जाएगा एंड द फिक्स विल स्पॉय द कॉर्नर विल लूज इट्स टेस्ट फिक्स भी अभी शायद फ्रेश है तो वो खराब हो जाएंगे अपने टेस्ट जो है वो चेंज कर देगा ही टुक द फ्रूट फ्रॉम द बास्केट एंड लेड इट ऑन द विंडो देन ही बोर्ड टेबल क्लॉथ

थ्रू हिज हैंड्स उसके हाथ लरजने लगे He to console himself. जल्दी ही हर इट टू कंसोल हिम सेल्फ जल्द ही वह खुद को तसली देने लगा हाव एवर सिंग बहरहाल अशक इज एन इम्पॉर्टेंट पैन अब वो बड़ा मसरूफ आदमी है ही हैड टू ड्रॉप पाए एंड आस्क द चेयरमैन अबाउट हाउ थिंग्स आर इन द विलेज शायद इसीलिए वो वहाँ पर गया चेयरमैन के घर के पास उतरा और उससे पूछना है कि गाँव में हो क्या रहा है एंड वर्ड्स द रश अवे और फिर जल्दी ही क्या है आई विल हैव हिम ऑल टू माई सेल्फ फॉर अ कपल ऑफ डेज वो मेरे साथ कुछ दिन रहेगा यहाँ पे आई वॉन्ट लेट हिम आउट ऑफ माई साइट अब अपनी आंखों से उससे दूर नहीं करूँगा विल मेक अप फॉर द लास्ट टाइम और जितना पीछे टाइम हम एक दूसरे के बग़ैर गुजार चुके हैं उसको कंपनसेट करेंगे मीन उसकी तलाफी अभी होगी और वो जो है मेरे साथ रहेगा इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि दस सालों में बेटा जो है वो बाप से मिलने नहीं आया उस बाप से जो बड़ा हार्ड वर्किंग है और सारा कुछ बेच के बहुत मेहनत से वो उसने अपने बेटे के लिए जो कुछ किया सो द सन वॉज सेटिंग बट स्टिल आर हैड नॉट कम होम द ओल्ड मैनस एनजाइटी माउंटेड मीन दिन ढल चुका था और इस बूढ़े की जो परेशानी है वो मजीद बढ़ती चली जा रही थी Mounted means increased So there was a moment When he was about to set out For the chairman's house But then he changed his mind He went into the yard And called to his neighbour's grandson Run over and see what's Arshak doing Tell him I am at home And waiting for him he said The boy was back in no time Chhota jald hi Well did you see Arshak What's he doing drinking tea. To Chai pirata did you tell him that I am home? Yes. What did he say? He said all right. Navasat repeated the words to himself. Well then that mean he'll soon be home. aa raha hai. I'll start the fire for the Shashlik meanwhile. Shashlik is a type of dish it's a grilled meat. He had a good fire going in the fireplace. Then he set to cleaning the skivers. Skivers को कहते हैं शायद उसके बारबेक्यू का कोई प्रोग्राम था तो वो उसको भी साफ़ करने बैठ गया और लैम्प भी उसने िब्बा करना था और फिर शायद उसको बारबेक्यू का प्रोग्राम था और दैट इज़ वाई ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट ही वेंट बैक इन टू द हाउस वाइप द डस्ट ऑफ द एंड डाउन एट द टेबल एट द टेबल टू वेट टाइम ड्रैगड ऑन एंडलेसली टाइम रुक के गुजर रहा था द लाइट्स वेंट ऑन इन द विलेज एंड द हाउस अ लुक द स्ट्रीट नॉइस नॉइज डाइंग डाउन सोन मीन घर नजर आने लगे और स्ट्रीट का जो नॉइज है मीन रफ्ता रफ्ता लोग अपने घरों की तरफ जाने लगे वो भी कम होना शुरू हुआ द ओनली साउंड वार्किंग मोर्नफुली इन द डिस्टेंस कुत्ते जैसे बड़े गमगी होके भोंगते हैं सिर्फ वही आवाज रह गई थी अर शक स्टिल नॉट रिटर्न द फायर टाइट डाउन लिविंग अमाउंट ऑफ एशेस इन द फायर प्लेस माउंट मीन अ पायल means a substance which is left

बहुत अटेंटिवली होके सुन रहा था हर एक आवाज़ को हर एक चीज़ को देख रहा था वो इंतज़ार कर रहा था शिद्दत से और इसीलिए हर चीज़ की तरफ बिल्कुल उसकी तवज्जो थी हिज़ आइज बिकेम ट्रेनड एंड स्टार्टेड टू टेयर स्ट्रेंड मीन्स वेरी एग्जॉस्ट उसकी आंखें थक चुकी थी और आंसू आने शुरू हो गए थे उसमें हिज हेड फेल्ट हैवी सर हैवी होने लगा ही रोज़ बट हिज़ फीट रिफ्यूज़ टू बज तो अब वो एक इरादे से उठा शायद इस इरादे से कि वो खुद ही जाके अशक से मिल ले मगर उसके पाओं ने मूव करने से इनकार कर दिया बच मीन्स टू मूव वाई शुड आई गो बैगिंग टू हिम मैं उससे क्यों उससे मिलने जाऊँ आई एम ओल्डर देन ही इज़ मैं उससे बड़ा हूँ ही शुड कम टू मी ही बिगेन टू ग्रम्बल बट देन कंसोल्ट हिम सेल्फ वंस अगेन वाई सिंग वेल ही इज़ एन इम्पोर्टेंट मैन मे बी ही हैज़ सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस टू डिस्कस विद चेयरमैन मैन ही कम होम इन द मॉर्निंग हो सकता है उसका कोई ज़रूरी काम हो तो हो सकता है वो सुबह में आ जाए बट स्टिल ही वेटेड ही वेटेड फार इंट द स्मॉल आर्स आखिरी लम्हे तक वो इंतज़ार करता है द ऑटम नाइट वॉज ड्राइंग टू क्लोज और ख़जा की ये जो रात थी ये ख़त्म होने जा रही थी द ओल्ड मैंस आइज ग्रू डिम फ्राम पेयरिंग उसकी नज़र जो है वो डिम होने लगी स्लम्बर ग्रेजुअली हिम टू स्लीप एट द टेबल स्लम्बर मीन्स स्लीप स्लोली लालट हिम ललबाई मीन को नींद जो है उस पे غالب आ गई वो टेबल पे ही सो जाता है ही डिडंट नो हाउ लॉन्ग ही हैड स्लेप्ड

no she said and shook her head your arshak is leaving look at the road navasat felt as if the roof had come down on his head navasat ko aise lagta hai he ran over to the low shed and climbed to the roof arshak's car was speeding along the road glittering in the sun it was shining in the sun quickly becoming smaller and smaller his unsteady gait was then of an old man गेट मीन्स चाल जैसे वो चल रहा था ना अनस्टेबल होकर अनस्टेडी मीन्स अनस्टेबल तो खुद को बहुत ज्यादा बूढ़ा महसूस करने लगा मेकिंग हिज वे डाउन द पाथ टू आर्चर्ड हिज स्टार्टेड एट संकन नीचे ग्राउंड को ही देख रहा था जैसे अंदर खुद हंस गई हो उसकी आंखें हिज बैक सीम मोर स्टूप्ड दैन एवर कमर उसकी मजीद झुक गई पहले से ज्यादा द वाइट लैम गैम आफ्टर हैम तो छोटा मेमना भी उसके पीछे पीछे छलांगे लगाता हुआ आ रहा था सो वी क्विकली मूव टू वर्ड्स दी एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर नाइनटी वन यू हैव वो कैबलरी एंड यू हैव टू make a new words from the given words to fill the parenthesis according to experts the way you spend your free time is vital to your general happiness happy say happiness banaya and getting the right balance is very important it goes without saying that physical fitness is the key so everyone leisure time should include some form of exercise idealize something that you find enjoyable most people also get gain satisfaction from doing something creative such as painting cooking and gardening however not all your free time activity should be solitary or you may end up feeling lonely companionship is also important to most people's sense of well-being but you must find the right kind of social interaction but you must find the right kind of social interaction membership in some group such as political parties can simply lead to stress and frustration joining a social group like a blood donation society or yoga classes are likely to be much more beneficial coming towards the next exercise that is based on grammar transitive or intransitive verb you have to recognize so the first one is she was crying all day long this is intransitive why this is intransitive because it doesn't need any object अगर आप ऑल डे लॉन्ग को हटा दें विच इज़ एडवर्बियल तो फिर देखें बचता क्या है शी वॉज क्राइंग आपको मीनिंग समझ आ गया तो इसीलिए क्राइंग ऐसा वर्ब है जो अपनी मीनिंग आपको खुद बता रहा है इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है ऑल डे लॉन्ग इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि क्राइंग तो कब या कितना क्राइंग किया ऑल डे लॉन्ग सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट और इसीलिए ये इनट्रांटिव है नाउ वी शोड हमने उन्हें दिखाया क्या दिखाया ना इट नीड्स ऑब्जेक्ट वी शोड हर द फोटो एल्बम सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब नंबर थर्ड द डॉक्टर एडवाइज मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली अगेन एडवाइज आफ्टर एडवाइज यू नीड ऑब्जेक्ट सो दिस इज ट्रांजिटिव मी जो है आपका ऑब्जेक्ट है इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम अगेन एट दैट टाइम जरूरी नहीं है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि आपको बता रहा है कि उस टाइम रेनिंग हो रही थी आप इसको काट लें इट वॉज रेनिंग अपना मीनिंग कंप्लीट कर रहा है सो रेनिंग डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट इज वाई इट इज इन ट्रांटिव शी लाफ्ट एट एट वर्थ द जो द जोक इज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ट्रांसटिव शी लाफ्ट एट द शी लाफ्ट वो हंसी अपना मीनिंग क्लियर दे रहा है दिस वर्ड डजेंट नीड एनी ऑब्जेक्ट दैट इज वाई इट इज gave what does she डज so she gave what did she give a cookie so a cookie is an object needed by gave नीडिड बाई वर्ब तो इसका मतलब है गेव यहाँ पे ट्रांजटिव वर्ब है They slept, अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है इन द स्ट्रीट जो है एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो इजाफी एड का, का काम कर रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है They slept, वो सोए तो इट मीनस इन ट्रांटिव इट नीड एनी ऑब्जेक्ट आई एट वट डिड आई ईट क्या कहा है मैंने द चेरीज चेरीज आर ऑब्जेक्ट सो एट वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव है माई फादर डजेंट ड्रिंक वाट कॉफ़ी कॉफ़ी ड्रिंक के लिए चाहिए इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव है ही ऑलवेज़ कीप्स कीप्स रखता है अपने पास क्या चीज़ हमें मजीद चाहिए ऑब्जेक्ट के क्या चीज़ वो अपने पास रखता है ही ऑलवेज़ कीप्स हिज़ मनी इन दैलेट सो दिस इज़ ट्रांजिटिव आगे जाप के आप आपको ये बताना है कि इस जुमले में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव सम ऐन्ट्स फाइट्स फियरियसली फाइट के बाद फियरियसली आकर आप हटाते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है सम ऐन्ट्स फाइट सो दिस इज इनट्रांजिटिव द एक्सप्लोजन Sank the ship sank sank के बाद आपको जरूरत है Sank what the ship तो इसका मतलब है दिस इज ट्रांजिटिव ही स्पोक लाउडली लाउडली एट वर्ब है कोई जरूरत नहीं है ही स्पोक आपको मीनिंग समझ आ गए सो स्पोक इज इन ट्रांटिव वर्ब बॉयल किस चीज को बॉयल करना है द वॉटर सो बॉयल नीड्स सम ऑब्जेक्ट द वॉटर दैट इज वाई बॉयल इज ट्रांसिटिव वर्ब द हॉर्स किक द बॉय हमारे पास द बॉय जो है ऑब्जेक्ट है किक को जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की सो ट्रांजिटिव वर्ब द वॉचमैन ब्लू हिज विसल सो ब्लू वट विसल सो ब्लू इज ट्रांजिटिव वर्ब ही टुक शेल्टर शेल्टर ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव द बर्ड्स स्वीटली इन ट्रांजिटिव द फायर बर्न्स ब्राइटली इन ट्रांजिटिव अगेन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन ट्रांजिटिव क्योंकि सब में या तो एडवर्ब या प्रपोजिशन फ्रेज है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है टाइम हील्स ऑल व so heals what all wounds so this is transitive you surprised me surprised के बाद मी आपके पास object है so this is transitive do sit down again adverb down बता रहा है आपको so this is intransitive i usually sleep well intransitive let's eat something transitive eat के बाद आप समथिंग यूज कर रहे हैं एंड समथिंग इज ऑब्जेक्ट अब जुमले सुन ले they fight every time their boots sank into the river this book briefly boiled the potatoes The child kicked the ball, the child blew the whistle. He took some books from the library, sang, so she sang sweet song. She burns all the extra paper, the bird fly up in the air. The wounds heal with time. They were surprised to see me sit on the couch. I didn't sleep yesterday. Eat these mangoes. आफ्टर दिस चैप्टर एंडसरसाइज वी कम टू वर्ड क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हम समरी देखते हैं दिस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई सिर खान खान सैदन इज बेस्ड ऑन पेरेंट लव एंड इनग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रेन मीन ना शोक्री जो बच्चों की होती है द मेन थीम इज दैट अनग्रेटफुल एंड थैंकलेस चाइल्ड गिव्स मोर पेन देन दैन स्टिंग सांप के काटने से इतना दर्द नहीं होता जितना चाइल्ड जो है वो आपका थैंकलेस हो इन द वेरी फर्स्ट पैरा वी आर इंट्रोड्यूस टू एन ओल्ड गार्डनर नवसाद नी इज एंड हिज वाइफ हैड डाइट मैनी इयर्स बिफोर ही हैज़ नो रिलेटिव्स इन विलेज एज हिज ओनली ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हेड डाइट ऑफ हंगर यूरिंग द वॉर लिविंग एंड ओनली सन आशिक नवसाद साद रेस्ट हिज नेफ्यू अर्शक विद ग्रेट केयर जस्ट लाइक हिज ओन सन तो अपने बेटे की तरह पाला उसको He sold everything to educate Arshak and to send him for higher study to Moscow. Arshak, who was the only ray of hope and happiness in Navasad's life, was outside the city for the last 10 years. One day, Navasad was informed that Arshak has come back in his big car. Navasad, out of excitement, felt as he was walking on air as he very patiently and hopefully waited for this day. Everyone was calling him lucky for having such a competent son. हर कोई उसे खुश किस्मत कहता है इन ग्रेट एक्साइटमेंट रश गार्डन एंड बेस्ट फेवरेट फ्रूट्स ऑफ अर्शक ही क्लीं हिज हाउस एंड ट्राइड लेवल बेस्ट टू डेकोरेट इट। मीनवाइल ही अबाउट ऑल सफ़रिंग्स विच ही बोर इन रेजिंग आर्शिक उसको बड़ा करते हुए जितनी भी तकलीफें उसने सही उसके बारे में भी सोच रहा था child बट inform हाउसाद चाइल्ड टू इनफॉर्म अर्शक इज एट होम एंड फॉर हिम बट इन vain. तो उसने बच्चे को भेजा और सवाल जवाब भिजवाया कि आपका फादर आपके लिए वेट कर रहे हैं पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ Navasad, being a kind father, consoles himself that perhaps a sub-urgent matter made him delay. kaam hai Jiski vajase he fell asleep, and in the morning he was awakened by a neighbor's woman who informed Navasad that Arshak was going back. Navasad rushed towards the roof, Chatpecharta hai, and saw Arshak's car speedily moving along the road. Navasad was greatly shocked with Arshak's attitude. Question number one is what arrangement were made by Navasad for the coming home of Arshak? Navasad, out of extreme excitement, went to garden to pluck sweet and fresh fruits for Arshak. He picked a ripe watermelon, which was Arshak's favorite. He sprinkled water on floor and swept it. He borrowed a tablecloth from neighbors to cover the table, shook out the rug, covered the couch, and put a pillow on it. He lit the fire.

Son Arshak. Navasad raised his nephew Arshak with great care, just like his own son. He sold everything to educate Navasad and to send him for higher education to Moscow. Arshak, who was the only ray of hope and happiness in Navasad's life, was outside the city for the last 10 years. As he very patiently and hopefully waited for this day, that is why he was so excited. Coming towards question number three, describe the plight of Navasad after the departure of Arshak's. उट मीटिंग है तो जब उससे मिले बगैर जाता है उसकी मेजरेबल कंडीशन क्या होती है ग्रेटली शॉक्ड एंड फेल्टीच्यूड नवसादीबल आफ्टर द डिपार्चर ऑफ हर बहुत बुरी थी उसकी हालत ही ऊपर गिर गई ही walked अनस्टेबली बिल्कुल लड़कड़ाते हुए वो नीचे आया हिज आइज़ were हॉलो बिल्कुल खाली थी अंदर को धंस गई थी हिज़ बैक seemed मोर स्टूप उसकी कमर और भी झुक गई थी And he felt himself older and weaker than before. pehle पहले से ज्यादा ख़ुद को बूढ़ा और कमज़ोर महसूस करने लगा What is the central idea of the story is this theme relevant to our culture also? क्या हमारे कल्चर में भी इसी तरह पेरेंट children रिलेशनशिप पाया जाता hai और इसका सेंट्रल आइडिया या मेन थीम क्या है सो द स्टोरी ऑफ द वाइट लैम्प इज़ बेस्ड ऑन पेरेंट लव एंड इनक्रेटूट ऑफ चिल्ड्रन द मेन थीम इज दैट अनग्रेटफुल या थैंकलेस चाइल्ड जो है गिव मोर पेन देन स्नैक्स स्टिंग्स सांप के काटे से ज़्यादा पेन होता है द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ यूनिवर्सल एज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड इन एवरी कल्चर पेरेंट्स गिव सेक्रीफाइस सो द थीम भी फिट्स आर कल्चर एज वेल तो हमारे कल्चर पर भी फिट आती है क्वेश्चन नंबर

हर एक स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक कहानी uh, आगे बढ़ ही नहीं सकती इसके बगैर दूसरा ये कि सस्पेंस आता है इस स्टोरी में इन दिस स्टोरी द कॉन्फ्लिक्ट इज दैट कॉन्फ्लिक्टज फादर और नॉट इट स्टार्ट्स व्हेन अरशक रिटर्न्स होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड गोज टू चेयरमैंस हाउस इंस्टेड ऑफ हिज ओन तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि वो अपने घर के बजाय चेयरमैन के घर में जाता है द कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू क्लाइमैक्स पीक तक तब पहुंचता है वेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत देर तक वो इंतजार

हाउस नवसात ऐसा भी हो सकता था कि वो उसके घर जाता टू सी हिज सन विद गिफ्ट ताकि वो खुद ही चला जाए और गिफ्ट्स uh, के साथ जाता शायद उससे उसका दिल जो है वो पिघल जाता एंड इट वुड हैव कॉन्शियस इससे उसका जो जमीर है वो थोड़ा सा प्रिक होता एंड ही वुड हैव रियलाइज हिज मिस्टेक एंड वुड हैव फॉर फॉरगिवनेस और वो माफी मांगता अपने बाप से और एंडिंग uh, जो है वो ट्रेजिक ना होती बल्कि हैप्पी होती कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ऑफ अर्शक का जो करेक्टर स्केच है

मैन बन गया था वो हु डिडेंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप तो सबसे बड़ा कंट्रास्ट ये था कि उसके साथ importance ही नहीं थी रिलेशनशिप की ये ये एक है uh, है आप इसमें देख सकते हैं कि क्या ये इस स्टोरी पे भी फिट आता है या नहीं तो हम देखते हैं कि ये जो सेंग है या ये जो कोटेशन है दिस इज फ्रॉम शेक्सपियर ड्रामा किंग लियर जब किंग लियर अपनी ही बेटी को जायदाद दे देता है और वो उसको डिसोबे uh, करती है और उसके साथ बदतमीजी करती है एंड देन ही द किंग लियर सेज दीज वर्ड्स के साम्प का डसा हुआ जो है वो इतना पेन नहीं देता मीन फिज़िकल पेन इतना मुश्किल नहीं है उसको सहना जबकि इमोशनल पेन जो थैंकलेस चाइल्ड आपको देता है उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है सो हेयर सर्प एंड टू फिजिकल पेन वाइल थैंकलेस चाइल्ड गिव्स इमोशनल टॉर्चर एंड पेन विच इज़ फार बेटर एंड एक्न अ फिजिकल वन तो फिजिकल पेन से ज़्यादा जो दर्दनाक है वो ये है कि चाइल्ड जो है वह नाफरमानी करे और एहसान फरामोश हो सो so, द Quote also fits the central idea of this story in which Arshak forgets all the sacrifices and pains of Navasad. Navasad forgets the pain of his poor, miserable life when Arshak gives him emotional pain. Mean, jo poverty ko jail tha, khush tha usme, दो उसकी लाइफ बहुत टफ थी ही वॉज ऑल अ लोन तो लोन समझे है ये अलग से एक पेन है मुश्किल है टफ टाइम गुजरता है लेकिन सारे दर्द जो है वो कम हो गए उस दर्द के मुकाबले में जो अर्शक उसको देता है सो होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी और क्वेश्चन uh, आंसर भी आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो